हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और इस ब्लॉग में आपको लेके चलेंगे गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एक विशाल सागर और एक महान ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो कि अपने साथ संजोए हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास, जो कि एक विशाल भव्य गुरुद्वारा है। मैं आपको बता दूं, इस गुरुद्वारे में एक एक चीज में एक कहानी, एक इतिहास है। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में स्थित है। उत्तराखंड में सिखों के 3 सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब है, और दूसरे 2 हैं हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब। कहा जाता है कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी 1514 ईस्वी में यहाँ आए थे, और ये स्थान सिद्ध योगियों जो कि गोरखनाथ जी के भगत थे उनका निवास स्थान था, और इसे गोरखनाथा भी कहा जाता था। गुरुजी ने योगियों को भी ध्यान और मोक्ष का मार्ग दिखाया, और आगे चल के ये स्थान नानक मत्ता के नाम से जाने जाने लगा। ये है गुरुद्वारे का भव्य गेट जो कि सीधा मुख्य गुरुद्वारे तक ले जाता है। अभी हम गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सूझबूझ ले रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लोग सेवा कर रहे हैं बस, और सिर्फ सेवा में ही लगे हुए हैं। मुख्य गुरुद्वारे में धोना साहिब और भोरा साहिब स्थित हैं, जिसमें आध्यात्मिक श्री गुरु नानक देव जी को दर्शाया गया है। गुरु नानक देव जी के बाद यहाँ पर बाबा अलमस जी यहाँ पर आए। बाबा अलमस जी का उद्देश्य नानक मत्ता को सिख धर्म का प्रचार करना था। उन्होंने आगे चलकर गुरु हरगोविंद जी के साथ, जो कि सिखों के 6वें गुरु कहलाए जाते हैं, उनके साथ मिलकर धर्म का प्रचार किया। अब एक रोचक बात पंजा साहिब की गुरुद्वारे में स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक पीपल का पेड़ है, जो कि मुख्य गुरुद्वारा परिषद में ही स्थित है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जब इस स्थान पर पहुँचे तो वो एक सूखे पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए, जो कि गुरुजी की पवित्र संगत के कारण हरा हो गया। गोरख योगी इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये जगह काफ़ी दुर्गम थी। कहानी ये है कि अपनी गुप्त शक्तियों का उपयोग करने वाले योगियों ने इसे पृथ्वी से खींच लिया था, और गुरु नानक देव जी के ध्यान को परेशान करने के लिए इस वृक्ष को हवा में उड़ाने की कोशिश की। जब ये पेड़ धरती से बाहर आया तो इसकी जड़ें जमीन से ऊपर आई, तो गुरुजी ने अपना हाथ यानी कि अपना पंजा पेड़ की जड़ों पर रख दिया, और फिर पेड़ उड़ना बंद कर देता है और मौजूदा स्थिति में बना रहता है। जमीन के ऊपर पीपल की जड़ें आज भी देखी जा सकती हैं। गुरु नानक देव जी की यात्रा के 1 सदी बाद भाई लादत साहब यहाँ आए, और इस बार इन गोरख योगियों ने इस पेड़ को जला दिया। भाई अलमस जी ने सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी का इंतज़ार किया, जिन्होंने आते ही पीपल के पेड़ पर केसर छिड़का और पेड़ अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। और इसी गुरुद्वारे के अंदर एक सरोवर है, जहां हमने देखा इन रंग बिरंगी मछलियों को, जो कि किसी का भी मन मोह ले, आप अपनी नज़रें इन मछलियों से नहीं हटा पाओगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलेगा। आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को समेटे हुआ है। इस गुरुद्वारे के अंदर लंगर साल के 365 दिन चलता रहता है, और यहाँ पर लंगर बहुत ही प्रेम से खिलाया जाता है, बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में, अब जो देख रहे हैं यहाँ पर पूरा लंगर तैयार किया जाता है, उधर महिलाएं रोटी बना रही हैं, और इधर ये रोटी वाली मशीन आप देख रहे हैं, रोटियां निकल रही हैं इसमें से, और ये सामने यहाँ पर बर्तन धुलाई चल रही है। कितने अच्छी तरह से यहाँ पर लोग काम पे लगे हुए हैं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब जब भी इस गुरुद्वारे में आएँ तो प्लीज़ से एक बार लंगर ज़रूर ग्रहण करें। शाम का नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगता है, डूबते सूरज की रोशनी में गुरुद्वारे का रंग सोने के समान चमकता है। ये है नानक सागर डैम। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप गोवा, बेंगलोर, मुंबई जैसी जगहों पर घूम रहे हैं। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखेगा। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, और ये वैसे एक टूरिस्ट पॉइंट ही बन चुका है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं, आनंद लेते हैं इस जगह का। नीचे रास्ता है, ऊपर ये डैम है, नानक सागर है, और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है।
और यहाँ पर ये बैराज है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग ठेले वगैरह लगा कर रखते हैं। फूड आपको यहाँ पर खाने को मिलेगा, जो भी आपको फूड खाना है वो आपको यहाँ पर फूड मिल जाएगा। यहाँ से इन लोगों का भी रोज़गार चल रहा है। ये विशाल सागर इसका कल्पना से परे विस्तार है, जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ का चमकीला नीला पानी, जहाँ तक नज़रें जाती हैं वहाँ तक आपको पानी पानी नज़र आता है, जो कि समुद्र होने का इतिहास याद दिलाता है। देवा नदी पर बने इस नानक सागर डैम को, इस सागर का आकार आपको समुद्र की याद दिलाता है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखने के बाद, यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा बस, कि जैसे आप समुद्र पे खड़े हो और आप जहाँ तक नज़रें जाएंगी सिर्फ आपको नीला पानी ही पानी दिखेगा, एकदम बिल्कुल साफ। बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इस नानक सागर से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट। इस जलाशय में 60 मिलियन घन मीटर पानी संचित करने की क्षमता है। इसमें पहाड़ की कई छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये विशाल जलाशय आज भी जिला उधम सिंह नगर में कई बड़े क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करता है। जलाशय के इस संचित पानी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 96,750 एकड़ खेतों की सिंचाई की जाती है। आज यहाँ पर हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही थी। यहाँ पर जितने भी आपको ये लोग दिख रहे हैं, ये सब घूमने के पर्पस से यहाँ पर आए हैं। पैसे निकाल रहे थे, पैसे निकाल रहे हैं, देखो ये बच्चे ऊपर से यहाँ कोई पैसे डालता है तो बच्चे पैसे निकालते हैं, इनका यही काम है। सुबह आकर बैठ जाते हैं, शाम तक यही रहते हैं। ये चीज है यार, निकाल तो यही है। पैसे निकाल ले रहे, क्या कर रहे हो? चलानी से मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है कृपया जूते चप्पल बाहर निकालें, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कम से कम ऐसी जगहों का तो सम्मान करना चाहिए। यहाँ पानी के बीचों बीच में इंडियन फ्लैग को लगाया है।
ये दुकानें गुरुद्वारे के बाहर हैं। आप यहाँ से तरह तरह की चीज़ें ले सकते हैं जो आपको लेनी है। यहाँ पे आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगली बार आप जब भी उधम सिंह नगर आएँ तो इस स्थान पर ज़रूर आएँ। अपने प्रियजनों के साथ में घूमने का एक आदर्श स्थान है और यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन का आनंद लें।